थियोरी का ब्रशअप करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट का, और ऐसा मैं सोच रहा हूँ सब लेक्चर्स बनाने के लिए, सब टॉपिक के लिए थियोरी रिकैप करने के लिए एक बार, कि लास्ट मोमेंट पे हमारे पास एक समरी रहे फटाफट क्विक रिवीजन के लिए. सी, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज़ नथिंग बट इट इज़ अ एनालिटिकल कैश बुक. एनालिटिकल कैश बुक का मतलब है सिंपल कैश बुक तो ये है जो तुमने FIJC में पढ़ी थी. डेबिट साइड को हम लोग बोलते हैं रिसीट साइड, एंड क्रेडिट साइड को वी कॉल इट एज पेमेंट साइड. ये सिंपल कैश बुक है, लेकिन ये जो कैश बुक है इसको तीन एक्टिविटीज़ में हम लोग प्रेजेंट करेंगे, इसको एनालाइज करेंगे तीन एक्टिविटीज़ में. कौन से तीन एक्टिविटीज़ में? नंबर वन कौन सी एक्टिविटी? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़. जो भी ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम है ना, जैसे कलेक्शन रेवेन्यू आइटम्स, कलेक्शन फ्रॉम सेल्स ऑफ गुड्स एंड पेमेंट फॉर परचेजर्स, देन एक्सपेंसेस पेड, वो सब हो गया हमारा जो ऑपरेशन, बिजनेस ऑपरेशन के लिए जो एक्टिविटीज़ है. इन शॉर्ट, ट्रेडिंग PNL में जो इनकम और एक्सपेंसेस से रिलेटेड आइटम्स है वो सब के लिए बनेगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी. लेकिन एसेट परचेज और सेल के लिए जो भी एक्टिविटी होती है, कैश इन कैश आउट, जो भी पैसा आता और जाता है फॉर एसेट परचेज एंड सेल, उसके लिए कौन सी एक्टिविटी में हम लोग कैश बुक को एनालाइज करेंगे? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. और जो भी लाइबिलिटी से रिलेटेड कैश इन या कैश आउट होगा उसके लिए कौन सी एक्टिविटी आ जाएगी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी. सो हम लोग ये सिंपल कैश बुक को तीन एक्टिविटी में डिवाइड करेंगे, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग. और जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है वो दो मेथड से हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं. नंबर वन इज विच मेथड? इनडायरेक्ट. फॉर CA इंटर, इनडायरेक्ट मेथड इज द मेन मेथड. एंड नंबर टू इज डायरेक्ट मेथड. बराबर, ये दो मेथड से हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं. डायरेक्ट मेथड हो या इनडायरेक्ट मेथड, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में फाइनल आंसर में फ़र्क नहीं आता, फाइनल आंसर वही आता है. खाली क्या है, दो अलग अलग अप्रोचेस है. वेन यू गो टू CA फाइनल, इसका रेलिवेंट इंडियस है Ind AS 7. यहाँ पे AS 3 है, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट इज AS 3, लेकिन इसका रेलिवेंट Ind AS जो है ना वो है Ind AS 7, वो एग्जैक्टली यही है. और वहाँ पे डायरेक्ट मेथड को ज़्यादा उन्होंने इम्पोर्टेंस दिया है, इनडायरेक्ट मेथड को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया है. अच्छा, फिर उसके बाद देख लो जरा, इसके जो प्रोसीजर्स मैंने दे रखे हैं ना, प्रॉब्लम में क्या दिया रहेगा. सी, व्हाट विल बी गिवन इन द प्रॉब्लम. इन प्रॉब्लम दे विल गिव यू ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट, ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट, एंड देन दे विल गिव यू एडजस्टमेंट्स. और हमको बनाना क्या क्या, व्हाट वी हैव टू प्रिपेयर फ्रॉम दिस. वी हैव टू प्रिपेयर नंबर वन कैश फ्लो स्टेटमेंट, नंबर टू वी हैव टू प्रिपेयर अ रिकंसिलेशन ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ओपनिंग और क्लोजिंग. ओपनिंग क्लोजिंग दोनों का जो डिफरेंस है वो A+B+C आना चाहिए, दैट इज नोन एज रिकंसिलेशन. और वर्किंग नोट्स इन द फॉर्म ऑफ लेजर अकाउंट्स, वर्किंग नोट्स इन द फॉर्म ऑफ लेजर अकाउंट्स रिगार्डिंग द ट्रांजेक्शन्स. ये अपने सारे ट्रांजेक्शन्स थे जो हमने डिस्कस किए थे. ट्रांजेक्शन में सबसे पहला ट्रांजेक्शन था इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, दूसरा था इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, और फिर उसके बाद में आ गया था इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, आफ्टर दैट लोन टेकन. ये चारों ट्रांजेक्शन में कैश आ रहा है अपने पास. इन ऑल दिस फोर ट्रांजेक्शन वी आर रिसीविंग कैश. लेकिन ये जो कैश आ रहा है वो कौन से रीजन से आ रहा है, एसेट के वजह से या लाइबिलिटी के वजह से? इन ऑल द केसेस कैश इज रिसीव्ड फॉर लाइबिलिटीज, बराबर ना, टुवर्ड्स लाइबिलिटी. ये फाइनेंस अरेंज कर रहे हैं हम लोग. सो ये सब कैश जो डेबिट होगा ये कौन से एक्टिविटी में जाएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी. सी, कैश बुक में तो कैश ट्रांजेक्शन ही आएंगे. सो जो कैश बैंक अकाउंट डेबिट है वो सब कैश बैंक में ही जाना चाहिए, कैश बुक में ही जाना चाहिए. लेकिन बिकॉज दीज आर ऑल रिलेटेड टू लाइबिलिटीज, इट विल बी शोन अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटी. फिर देखो ये बाजू बायबैक ऑफ शेयर्स वो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के तरह ही है. हम लोग पैसा वापस देते हैं. रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, इसमें भी टू कैश बैंक है. और फिर उसके बाद में रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स में भी टू कैश बैंक है, और लोन रिपेमेंट में भी टू कैश बैंक है. ये सब में हम लोग रिपेमेंट करते हैं, पैसा बाहर जा रहा है. बिकॉज रिपेमेंट इज डन, पैसा बाहर जा रहा है, बोलो ये कौन सी एक्टिविटी मानी जाएगी? दिस इज विच एक्टिविटी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी. बिकॉज ये सब हम लोग जो पेमेंट कर रहे हैं, दिस इज अगेन लाइबिलिटीज आर रिपेड. भले इक्विटी शेयर्स का फाइनेंस का पैसा हम वापस दे रहे हैं, दिस कैश इज कमिंग इन और गोइंग आउट रिलेटेड टू लाइबिलिटीज, सो दिस इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी. और एक मैंने ये जो नोट लिखाया था ना CRR के लिए, ये इंपॉर्टेंट है. देखो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो बैलेंस शीट दे दी है ना,
बस वो बैलेंस शीट से हमको कैश बुक बनानी है, मतलब ट्रांजैक्शन सारे हो चुके हैं, ये जो बैलेंस शीट दी है ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट ऑलरेडी बन चुकी है, ये बैलेंस शीट ऑलरेडी बन चुकी है, ये एडजस्टमेंट सारे ऑलरेडी हो चुके हैं, सारे हो चुके हैं, अपने को कुछ नहीं बदलना है, वो जो ट्रांजैक्शंस ऑलरेडी हो चुका है उसी से कैश बुक बनानी है। तो बैलेंस शीट की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं बदलेगी। अगर रिडम्पशन प्रॉफिट्स में से हुआ है तो CRR क्रिएट हुआ होगा, बराबर ना? अगर रिडम्पशन प्रॉफिट्स में से हुआ तो CRR क्रिएट हुआ होगा, यस और नो? यस सर। तो अगर CRR क्रिएट हुआ होगा तो अपने बैलेंस शीट में CRR होगा, CRR होगा तो ट्रांसफर टू CRR की एंट्री पास कर लेना। मतलब तुम कोई रिडम्पशन नहीं कर रहे हो, रिडम्पशन ऑलरेडी हो चुका है, वो ट्रांजैक्शन ऑलरेडी टेकन प्लेस। अगर CRR अगर प्रॉफिट्स में से रिडम्पशन किया है तो CRR क्रिएट होगा। सो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, इफ़ CRR इज़ गिवन इन बैलेंस शीट, अगर प्रॉब्लम में बैलेंस शीट में CRR है तो एंट्री फॉर CRR हम पास करेंगे। लेकिन अगर CRR नहीं दिया हुआ है बैलेंस शीट में, इफ़ CRR इज़ नॉट गिवन इन द बैलेंस शीट देन एंट्री फॉर CRR विल नॉट बी पास्ड। अरे CRR अगर बैलेंस शीट में दे रखा है तो एंट्री पास करेंगे हम लोग CRR की, और बैलेंस शीट में अगर CRR नहीं दिया है इसका मतलब है पूरा रिडेम्पशन आउट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू है, पूरा रिडेम्पशन फ्रेश इशू से हुआ है। तो CRR है ही नहीं तो क्या क्रिएट करोगे? अपने आप से कुछ नहीं कर सकते। जो अपने को बैलेंस शीट में ट्रांजेक्शन दिया हुआ है, जो हैपेंड ट्रांजेक्शन है, उसी की एंट्री पास कर रहे हैं हम लोग। हैव यू अंडरस्टूड दिस? यस। सो हम लोग कोई भी ट्रांजेक्शन नया अपने आप से क्रिएट नहीं कर सकते। फिर आ गया इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, सॉरी ये सब हो गया, इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, दिस इज ऑल डन। फिर आ गया इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स, बोलो ना तुम लोग ही बोलो ना, बोनस शेयर्स इशू किया है तो मेकिंग पार्टली पेड अप शेयर्स एज फुल्ली पेड अप हो या इश्यू ऑफ फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स, दोनों में अपने को जो नेट एंट्री पास करनी है वो क्या एंट्री पास करनी चाहिए? रिजर्व्स अकाउंट डेबिट हो इक्विटी शेयर कैपिटल, बराबर ना? दोनों में नेट एंट्री पास होगी, रिजर्व्स अकाउंट डेबिट हो इक्विटी शेयर कैपिटल, ये अपनी नेट एंट्री बनेगी। हैव यू ऑल गॉट इट? यस। सो रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बोलो डेबिट या क्रेडिट कहीं पे भी कैश है क्या? डेबिट और क्रेडिट कहीं में भी कैश नहीं है, कहीं पे भी कैश नहीं है, बिकॉज डेबिट और क्रेडिट कहीं पे भी कैश नहीं है तो हम लोग इसको कैश बुक में नहीं लिख सकते। यहाँ पे भी देखो, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स अगेंस्ट शेयर्स, क्या एंट्री पास की है? फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट हो इक्विटी शेयर कैपिटल, बताओ डेबिट और क्रेडिट कहीं पे भी कैश है क्या अपने पास? नो सर। तो ये नॉन कैश आइटम्स है, ये हम लोग कैश बुक में नहीं लिख सकते। कैश बुक में नहीं लिख सकते तो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है? कैश बुक ही तो है, कैश बुक को ही तो तीन पार्ट में डिवाइड किया है। सो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। सो अगर कैश है ही नहीं तो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं जाएगा। फिर उसके बाद में है परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, बोलो ना परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स में कैश आउट हुआ है लेकिन दिस इज रिलेटेड टू एसेट और लाइबिलिटी, तो रिलेटेड टू एसेट हो तो ये कौन सी एक्टिविटी? इन्वेस्टिंग। अच्छा सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स में, दोनों में देखो मैंने सेल एट प्रॉफिट सेल एट लॉस दोनों की एंट्री पास की है, दोनों में कैश बैंक डेबिट आया है तो कैश बुक में होएगा ना, कैश बुक में एंट्री करेंगे इसकी और कैश बुक में रिकॉर्ड तो करेंगे, लेकिन दिस इज रिलेटेड अगेन टू एसेट, सो दिस इज विच एक्टिविटी? दिस इज रिलेटेड टू इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। जब पैसा आता है तो ऐड करते जाता है तो माइनस करते हैं, वो तुम लोग अभी कर रहे हो तो तुमको मालूम होएगा। अच्छा परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स विद PFD विदाउट PFD, बोलो परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स क्या एंट्री पास की हम लोग ने? फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, बराबर ना? फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, टेल मी दिस कैश इज गोइंग आउट, इट इज रिलेटेड टू एसेट और अ लायबिलिटी? रिलेटेड टू एसेट, तो दिस इज विच एक्टिविटी? इन्वेस्टिंग। यहाँ पे सेल, सेल में कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स, फिर से कैश बैंक डेबिट हुआ, अगेन रिलेटेड टू एसेट्स, सो टेल मी दिस इज विच एक्टिविटी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अच्छा विद और PFD और विदाउट PFD का फर्क पता चला क्या? विद PFD और विदाउट PFD में बहुत बड़ा फर्क नहीं है। जब डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करते हो तो यहाँ पे एंट्री पास होती है डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट्स, बराबर ना? तो फिक्स्ड एसेट्स रिड्यूस हो गए, 800 रुपीज का हो गया ना इधर। Yes. देखो ना 1000 का डेबिट था और यहाँ पे 200 क्रेडिट हुआ, सो रिड्यूस हो गया 800 का हो गया, बराबर? तो अगर 800 का हो गया और 600 में बेच रहे तो अपनी एंट्री बनती है कैश बैंक अकाउंट डेबिट 600, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 200 टू फिक्स्ड एसेट्स। लेकिन 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 जब भी फिक्स्ड एसेट्स बाय विद PFD करते हैं तो परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स में तो कोई तकलीफ नहीं है, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक एंट्री है, लेकिन जब डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तब एंट्री क्या पास होती है?
depreciation account debit. Depreciation account debit to PFD account. Have you understood this? Yes, sir. Depreciation account debit to PFD. तो PFD credit हुआ तो fixed assets reduce हुआ ही नहीं ना. भले ही fixed assets है 800 रुपए का, लेकिन अपने books में वो अभी भी 1000 रुपीस का ही दिख रहा है. तो सेल करने के टाइम पे अगर 800 रुपया दिखाना है तो वो PFD अकाउंट से दिखेगा. देखो 1000 क्रेडिट किया और ये PFD डेबिट किया, सो 800 रुपीज़ इधर से दिखेगा. इसलिए सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स विद PFD में एंट्री बन जाती है कैश बैंक अकाउंट डेबिट, PFD अकाउंट डेबिट, और अगर लॉस है तो PNL अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स. ये एंट्री समझ में आएगी? ऑलमोस्ट हर एक प्रॉब्लम में सॉल्व किया रहेगा. हर एक प्रॉब्लम में ये वाली एंट्री मैंने लिखवाई है. Yes. मैंने लिखवाई है ये वाली एंट्री. सबको सबको समझ में आ गई ये एंट्री? Yes, अच्छा, फिर आ गया प्रॉफिट. और अगर प्रॉफिट हो तो हम प्रॉफिट की तो एंट्री अलग ही पास करते हैं, फिक्स्ड एसेट्स टू PNL. ओके, फिर उसके बाद में आ गया प्रोविजन फॉर टैक्स. प्रोविजन फॉर टैक्स की एंट्री है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स. एक इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्रेडिट में. और दूसरा, ये PNL का इफेक्ट किधर जाएगा, कौन बताएगा? बताओ, ये PNL डेबिट का इफेक्ट किधर जाएगा? ऊपर ब्रैकेट में ऐड होएगा, बराबर ना? ओके, फिर जब टैक्स पे करेंगे तो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट हो कैश बैंक. नाउ दिस कैश, ये जो कैश बैंक है, ये बताओ ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कहाँ लिखेंगे? ये जो टू कैश बैंक है, ये कैश बैंक कहाँ पे लिखेंगे? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लिखेंगे, लेकिन कहाँ पे लिखेंगे? लेस इनकम टैक्स पेड में लिखेंगे. लेस इनकम टैक्स पेड, समझा क्या? लेस इनकम टैक्स पेड. फिर अगर टैक्स पेड विदाउट प्रोविजन है तो एंट्री बनेगी इनकम टैक्स टू कैश बैंक. तो यही ऊपर ऐड कर देना और ये कैश बैंक के नीचे माइनस कर देना, लेस इनकम टैक्स पेड. और ये जो इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट है, ये ऊपर PNL में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, वो नेट प्रॉफिट बिफोर आफ्टर टैक्स के साथ ऐड हो जाएगा अगर डायरेक्ट एंट्री पास किए थे. हैव यू अंडरस्टूड दिस? यस सर. अच्छा, डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, बताओ ये कैश बैंक कौन सा एक्टिविटी है? डिविडेंड टू कैश बैंक, दिस इज विच एक्टिविटी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी. अगेन डिबेंचर इंटरेस्ट टू कैश बैंक, ये कैश बैंक कौन सा एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग. डिबेंचर इंटरेस्ट PNL डेबिट में जाएगा. जब PNL डेबिट या PNL क्रेडिट आता है तो वो नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश में पहला एड नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश एक्सपेंसेस आता है, वहाँ पे PNL लिखते हैं ना हम लोग डेबिट क्रेडिट. ओके, फिर उसके बाद आ गया डिविडेंड रिसीव्ड कैश बैंक अकाउंट डेबिट. बोलो डिविडेंड रिसीव्ड में कैश बैंक अकाउंट डेबिट इज विच एक्टिविटी? इन्वेस्टिंग, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट्स पे रिटर्न्स है, बराबर ना? Yes. प्री एक्विजिशन डिविडेंड है तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट, ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है. अच्छा, प्री एक्विजिशन डिविडेंड में एंट्री कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स क्यों पास होता है, समझ में आया क्या? कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स, ये एंट्री इसलिए पास होता है क्योंकि हमारा इन्वेस्ट किया हुआ पैसा वापस आ जाता है, हमारा डिविडेंड नहीं है. हमने शेयर्स खरीदा था उसके पहले का डिविडेंड है, किसी और का डिविडेंड हमको मिल गया. अगर हमारा डिविडेंड हमको मिलता तो हम लोग बोलते थे कैश बैंक टू इनकम, वो हमारे PNL के क्रेडिट में जाता था. लेकिन ये तो क्या, जो मैंने इन्वेस्टमेंट्स खरीदने में पैसा दिया, मैं ये मानूंगा वही पैसा वापस आ गया. सो अगर वही पैसा वापस आ गया तो इन्वेस्टमेंट सस्ते में पड़ गया. सो मेरी एंट्री बनती है कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट. बच्चों, समझ में आया ये वाला? यस सर. अच्छा, अभी ये सब एंट्रीज नहीं हुई होगी, ये इंश्योरेंस वाली तो हो गई रहेगी. इंश्योरेंस क्लेम के लिए एंट्री क्या पास की है? कैश बैंक टू इंश्योरेंस क्लेम. बताओ कैश बैंक अकाउंट डेबिट, ये इंपॉर्टेंट है, ये कैश बैंक अकाउंट डेबिट मैंने लिख के दिया है. क्या लिखा हुआ इधर? एक्स्ट्राऑर्डिनरी. हैव यू ऑल रिटन और नॉट? यस सर. ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है और ये कैश बैंक डेबिट है ना, तो नीचे एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड कर देना. और ये है, ये PNL क्रेडिट में जाएगा, ये PNL क्रेडिट में जाएगा. समझ में आया? यस सर. चलो, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं. ये सब बाकी होएगा शायद, ये वाला बाकी होगा. ये तो हो गया है, ये करवा दिया है मैंने, बट ये सब बाकी होगा ना, एक्सचेंज गेन और लॉस, ये सब पेंडिंग होगा. देखो अभी तक नहीं मिला होगा. हाँ सर, पेंडिंग. अभी ये लास्ट लेक्चर में आएगा, जब 12th लेक्चर करोगे ना, तब 12th लेक्चर में वो कवर होएगा. सो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो प्रोसीजर है ना, वो भी इम्पोर्टेंट है. तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का मैंने प्रोसीजर बना के दिया है ना, तुम कितने भी दिन बाद, जब बहुत दिन के बाद में ये टॉपिक फिर से पिकअप करते हो ना, तो ये प्रोसीजर देख लिया करो एक बार. ये प्रोसीजर में क्या लिखा हुआ है? ट्रांसफ़र ऑल करंट एसेट्स. देख लो, प्रोसीजर पढ़ते ही तुमको पूरा प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है वो रिकैप हो जाता है. ट्रांसफ़र ऑल करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज़ टू कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़,
बराबर ना, ऑल करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटीज ऑपरेटिंग एक्टिविटी में वो डिफरेंस लिखते हैं ना हम लोग, इंक्रीज इन करंट एसेट्स, डिक्रीज इन करंट एसेट्स, यू रिमेंबर और नॉट? यस सर। अगर करंट एसेट्स बढ़ता है तो कैश कम होता है, करंट एसेट्स कम होता है तो कैश बढ़ता है, करंट लाइबिलिटीज के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप, करंट लाइबिलिटीज बढ़ेगा तो कैश भी बढ़ेगा, कम होएगा तो कैश भी कम होएगा। सो ये हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में लेके जाते हैं, एक्सेप्ट कैश बैंक, बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, ये हम लोग लेके जाते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंस में, ठीक है ना। सो ये पहला पॉइंट। उसके बाद में पॉइंट नंबर टू हमने क्या डिस्कस किया था, जो भी रिमेनिंग आइटम है करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटीज के अलावा, सबका लेजर अकाउंट्स ओपन करने का। सो प्रिपेयर लेजर अकाउंट्स फॉर ऑल अदर आइटम्स इन द बैलेंस शीट एंड राइट ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस फ्रॉम ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट, जितने भी ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस है उनसे ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट बना। हैव यू अंडरस्टूड दिस? प्रिपेयर लेजर अकाउंट्स फॉर अदर आइटम्स इन द बैलेंस शीट एंड राइट ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस। सो ओपन जो अपने को गिवन बैलेंस शीट है उससे ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस ट्रांसफर हो गए, गिवन बैलेंस शीट खाली हो गई, पहले करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटीज कैश बैंक ट्रांसफर कर दिया और फिर सारे ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस लेजर अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दिए। फिर उसके बाद में एडजस्टमेंट एंट्रीज पास करेंगे, पास एडजस्टमेंट एंट्रीज एंड गिव इफेक्ट इन लेजर अकाउंट्स। अगर एडजस्टमेंट एंट्रीज में, इफ एन एडजस्टमेंट एंट्रीज कैश बुक दैट इज कैश बैंक अकाउंट इज डेबिटेड और क्रेडिटेड, कैश बैंक डेबिट और क्रेडिट रिलेटेड टू एसेट्स, तो उसको हम लोग शो करेंगे अंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, एंड इफ इट इज रिलेटेड टू लाइबिलिटीज तो हम लोग उसको शो करेंगे अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, वी विल शो इट अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। बोलो बच्चों समझ में आया क्या? इफ ऑल कैश बैंक इज रिलेटेड टू एसेट्स देन इट विल बी शोन अंडर इन्वेस्टिंग, और रिलेटेड टू लाइबिलिटीज देन इट इज शोन अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, और सेकेंड इफेक्ट जो है वो रेस्पेक्टिव लेजर अकाउंट्स में जाएगा। जैसे शेयर इश्यू किया तो कैश बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल, तो कैश बैंक डेबिट तो जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, लेकिन इक्विटी शेयर कैपिटल जो क्रेडिट हुआ है वो इक्विटी शेयर्स के लेजर में जाएगा ना। फिक्स्ड एसेट्स खरीदा है तो फिक्स्ड एसेट्स टू कैश बैंक, तो कैश बैंक क्रेडिट हुआ वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, बट फिक्स्ड एसेट्स के डेबिट में तो जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ एसेट्स और लाइबिलिटीज जो भी है, कैश आया या गया वो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में जाएगा। फिर उसके बाद में सब एंट्रीज होने के बाद में जो लेजर अकाउंट्स बनाए वो क्लोज करेंगे, वी विल क्लोज द लेजर अकाउंट्स, और जो भी डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस या तो होगा कैश बैंक डेबिट क्रेडिट, अगर कैश बैंक बैलेंसिंग फिगर कैश बैंक आया तो वो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी ही बन सकता है, अगर लेजर अकाउंट्स को क्लोज किया और डिफरेंस आया पीएनएल तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी। देखो फिक्स्ड एसेट्स क्लोज करते हो तो डेप्रिसिएशन भी आ सकता है ना बैलेंसिंग, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स को क्लोज करते हो तो भाई पीएनएल आता है, अंडरराइटिंग कमीशन को क्लोज करते हो तो भाई पीएनएल आता है, गुडविल को क्लोज करते हो तो भाई पीएनएल आता है, तो ये सब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जाएगा। और जब पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्लोज करोगे डेबिट हो या क्रेडिट, दैट विल जो भी लेजर अकाउंट्स को क्लोज करके अगर पीएनएल अप्रोप्रिएशन आया तो वो पीएनएल अप्रोप्रिएशन में ही जाएगा, मोस्टली जनरल रिजर्व्स एक आइटम होता है जो पीएनएल अप्रोप्रिएशन में जाता है। फिर ये सब लेजर अकाउंट्स क्लोज करने के बाद, लेजर अकाउंट्स क्लोज करोगे तो कैश बैंक प्रॉफिट एंड लॉस और पीएनएल अप्रोप्रिएशन बैलेंसिंग, ये तीन ही आएगा, या तो लेजर अकाउंट टैली हो जाएगा या उसमें डिफरेंस आएगा, तो ये तीन आएगा। फिर हम लोग क्लोज करेंगे पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट और जो भी डिफरेंस आएगा दैट विल बी नथिंग बट नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है या नेट लॉस होता है, जो हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी में फर्स्ट लाइन पे ट्रांसफर करते हैं। किधर ट्रांसफर करते हैं? पहली लाइन पे, वो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स उसके साथ प्लस प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड होता है ना, वो वहाँ पे हम लोग ऐड करते हैं। फिर उसके बाद में लास्ट में क्या है, बैलेंस ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ये सारी एक्टिविटीज क्लोज करेंगे एंड द टोटल शुड बी इक्वल टू, जो भी टोटल आएगा शुड बी इक्वल टू क्लोजिंग एंड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, बराबर जो भी डिफरेंस आएगा क्लोजिंग और ओपनिंग का वो ए प्लस बी प्लस सी एग्जैक्टली मैच हो जाना चाहिए। बोलो बच्चों समझा क्या? Yes, sir. अच्छा एक पी एफ डी अकाउंट इंपॉर्टेंट अकाउंट था, पी एफ डी का मैं जो ओपनिंग बैलेंस है और जो क्लोजिंग बैलेंस है ये तो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट से मिल जाएगा। Yes, sir. फिर उसके बाद में और दो आइटम इसमें क्या आ सकता है, एंट्री फॉर डेप्रिसिएशन दैट इज डेप्रिसिएशन टू पी एफ डी, इसमें यही चार आइटम आ सकते हैं। और जब भी सेल करोगे तो कैश बैंक डेबिट पी एफ डी डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स आता है ना, हाँ तो सेल के टाइम पे ये आ सकता है पी एफ डी के अकाउंट के डेबिट में टू फिक्स्ड एसेट्स,
दैट इज द ट्रांसफर ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन सेल, ट्रांसफर ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन सेल, ठीक है ना। आगे इफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पीएफडी इज गिवन इन एडजस्टमेंट, अगर ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस पीएफडी अगर एडजस्टमेंट में दिया रहेगा तो उसको बैलेंस शीट में ले आने का, अगर एडजस्टमेंट में दिया तो बैलेंस शीट में ले आने का, लाइबिलिटी साइड में लिख देने का और उतने अमाउंट से फिक्स्ड एसेट्स को बढ़ा देने का, तो बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। हैव यू अंडरस्टूड? यस। बस फिर वापस नॉर्मल प्रॉब्लम चालू। तो उसका ट्रीटमेंट क्या करने का, अगर एडजस्टमेंट में दिया है तो राइट ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पीएफडी इन बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, और उतना ही एसेट साइड में फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू बढ़ा देने का, एंड एड ओपनिंग पीएफडी विद ओपनिंग वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड क्लोजिंग पीएफडी विद क्लोजिंग वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, सो बैलेंस शीट में इंक्लूड करके बैलेंस शीट को बदल देने का, बैलेंस शीट को ही बदल देने का। एक प्रोविजन फॉर टैक्स इंपॉर्टेंट अकाउंट है, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस, ये तो अपने को ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट से मिल जाएगा, और फिर दो एंट्री आएगी प्रोवाइडेड एंड पेड, ओपनिंग क्लोजिंग प्रोवाइडेड पेड, क्या बोला मैंने, ओपनिंग क्लोजिंग प्रोवाइडेड एंड पेड। ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस तो दिया है, प्रोवाइड करने के लिए क्या एंट्री पास करेंगे हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स। तो एक तो इफेक्ट यहाँ पे क्रेडिट में आ गया, और इसका सेकेंड इफेक्ट गया ऊपर पहले लाइन पे, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के साथ ऐड हो गया, समझा गया? यस सर। एंड पेमेंट के लिए प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, ये जो टू कैश बैंक किया ना यहाँ पे, तो टू कैश बैंक लिख दिया, और सेकेंड इफेक्ट लेस इनकम टैक्स पेड, लेस इनकम टैक्स पेड यहाँ पे लिख के भी दिया हुआ है मैंने। फोर इंपॉर्टेंट आइटम्स ऑफ पीएफटी अकाउंट आर ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, प्रोवाइडेड एंड पेड। इफ एनी वन आउट ऑफ द फोर इज नॉट गिवन, देन दैट विल बी टेकन एज बैलेंसिंग फिगर, ये अगर ये चार में से कोई भी एक नहीं दिया है तो उसको हम लोग बैलेंसिंग फिगर ले लेंगे। फिर लिखा है इफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस इज गिवन, खाली ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस ही दिया रहेगा, ऐसा क्वेश्चन भी आ गया होगा ना, खाली ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस ही दिया, आई थिंक सेवेंथ क्वेश्चन में मेरे को लगता है। इफ ओनली ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस इज गिवन इन प्रोविजन फॉर टैक्स, ऐसा प्रॉब्लम आया कि नहीं आया है? तो ऑन अवर ओन पे द ओपनिंग बैलेंस, अपने आप से हम लोग ओपनिंग बैलेंस पे कर देंगे और क्लोजिंग बैलेंस प्रोवाइड कर देंगे, ऑन अवर ओन पे द ओपनिंग बैलेंस एंड प्रोवाइड द क्लोजिंग बैलेंस। अच्छा डिफरेंस कैसे कैसे ट्रीट करना है, किसको क्या क्या ट्रीट करना है, देख लो डिफरेंस के लिए भी मैंने थियरी लिखवाई है, आई हैव गिवन एवरीथिंग इन राइटिंग। ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंस, देखो ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंस क्या है, शेयर कैपिटल, लोन्स, एडवांसेस, डिपॉजिट्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स एंड इन्वेस्टमेंट्स, ये सारे अकाउंट्स में डेबिट साइड शॉर्ट हो या क्रेडिट साइड शॉर्ट, या तो शेयर्स इशू किया रहेगा या बायबैक किया रहेगा, या तो शेयर्स इशू किया होगा या रिडीम किया होगा, या लोन लिया होगा या दिया होगा, एडवांसेस लिया होगा या पे किया होगा, डिपॉजिट्स लिया होगा या मैच्योर हुआ रहेगा, डिबेंचर्स या तो इशू किया होगा या रिडीम किया होगा, बॉन्ड्स या तो इशू किया रहेगा या मैच्योर हो गया होगा, इन्वेस्टमेंट्स या तो खरीदा होगा या बेचा होगा। इसलिए मैं बोलता हूँ डेबिट शॉर्ट और क्रेडिट शॉर्ट, ऑलवेज कैश बैंक, ऑलवेज कैश बैंक। अगर बात करूँ फिक्स्ड एसेट्स की, फिक्स्ड एसेट्स डेबिट शॉर्ट ऑलवेज कैश बैंक, फिक्स्ड एसेट्स में अगर डेबिट साइड शॉर्ट है तो हमेशा उसको हम लोग कैश बैंक में ही ट्रांसफर करेंगे। फिर उसके बाद जनरल रिजर्व्स, डेबिट शॉर्ट हो या क्रेडिट शॉर्ट, ऑलवेज पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अरे जनरल रिजर्व्स में डेबिट साइड शॉर्ट हो या क्रेडिट साइड शॉर्ट, हमेशा पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही ट्रांसफर करेंगे, जो भी डिफरेंस आएगा इट विल बी ट्रांसफर टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। एंड रिगार्डिंग गुडविल, अंडरराइटिंग कमीशन, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स, ये क्रेडिट साइड ही शॉर्ट रहेगा, और जो भी डिफरेंस आएगा उसको ट्रांसफर करेंगे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस बाय रिटर्न ऑफ नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। सो बच्चों फाइनल ये पूरा प्रोसीजर याद रहना चाहिए। बोलो सबसे पहले गिवन ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट दी होगी और एडजस्टमेंट्स दिया होगा, बराबर ना? ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट में पहले करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटीज निकालेंगे और उसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में वो डिफरेंस लिख देंगे, और कैश एंड कैश बैंक, बैंक ओवरड्राफ्ट और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स चला जाएगा ओपनिंग क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। उसके बाद जो भी बचा वो सबका लेजर अकाउंट्स बना के ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस लिख देंगे। यस सर। सो इससे बैलेंस शीट खाली हो गई।
वो बैलेंस शीट खाली होने के बाद क्या करेंगे, वंस द बैलेंस शीट इज एम्प्टी उसके बाद में हम लोग एडजस्टमेंट्स की एंट्रीज पास करेंगे। एडजस्टमेंट की एंट्रीज का इफेक्ट अगर कैश ट्रांजैक्शन है तो एक इफेक्ट कैश बुक में जाएगा, वो इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग में ही जाने वाला है, और एक इफेक्ट जाएगा रेस्पेक्टिव लेजर अकाउंट्स में। सब पोस्टिंग कर दिया, अगर कोई नॉन कैश आइटम है बोनस शेयर्स वगैरह, फिक्स्ड एसेट्स टू इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व्स टू इक्विटी शेयर कैपिटल, तो फिर वो कैश बुक में नहीं जाएगा, डायरेक्टली लेजर अकाउंट्स में जाएगा। फिर लेजर अकाउंट्स क्लोज करेंगे, या तो लेजर अकाउंट्स टैली हो जाएगा या लेजर अकाउंट डिफरेंस बताएगा, और डिफरेंस कैश बैंक हो सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो सकता है, और पीएनएल अप्रोप्रिएशन हो सकता है। अगर डिफरेंस कैश बैंक है तो फिर वो जाएगा इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग एक्टिविटी बनेगा, अगर डिफरेंस प्रॉफिट एंड लॉस है तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इनकम या एक्सपेंस बनेगा, और डिफरेंस अगर पीएनएल अप्रोप्रिएशन है तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा। फिर लेजर अकाउंट्स क्लोज होने के बाद क्लोज करेंगे पीएनएल अप्रोप्रिएशन, उसमें जो भी डिफरेंस है वो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस है, जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में फर्स्ट लाइन पे चला जाएगा बस, फिर लाइन से क्लोज करना चालू करना है। फिर ए प्लस बी प्लस सी जो भी आंसर आएगा उसको ओपनिंग बैलेंस को ऐड करते यू विल गेट द क्लोजिंग बैलेंस, वो रिकनसाइल हो जाएगा, दैट विल बी रिकनसाइल्ड। रिगार्डिंग पी एफ डी अकाउंट, चार आइटम पी एफ डी में, कौन से चार आइटम, ओपनिंग, क्लोजिंग, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंड सेल के टाइम पे ट्रांसफर ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट्स। ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, डेप्रिसिएशन चार्ज होगा तो डेप्रिसिएशन टू पी एफ डी, बराबर ना? Yes. और सेल करने के टाइम पे कैश बैंक डेबिट, पी एफ डी डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स बोलते हैं ना, तो वो पी एफ डी का बैलेंस फिक्स्ड एसेट्स में ट्रांसफर करते हैं। ये चार आइटम प्रोविजन फॉर टैक्स के, चार आइटम ओपनिंग, क्लोजिंग, प्रोवाइडेड एंड पेड। ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, प्रोवाइडेड के लिए प्रॉफिट एंड लॉस टू प्रोविजन फॉर टैक्स, और पेड के लिए प्रोविजन फॉर टैक्स टू कैश बैंक, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट, ये हमारे पेड की एंट्री। और उसके बाद में अगर खाली ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस ही दिया रहेगा, ओनली ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस इज गिवन, सो हम लोग क्या करेंगे वो केस में, पे द ओपनिंग बैलेंस एंड प्रोवाइड द क्लोजिंग बैलेंस, पे द ओपनिंग बैलेंस एंड प्रोवाइड द क्लोजिंग बैलेंस। बोलो बच्चों, समझ में आया क्या? ओपनिंग बैलेंस पे करेंगे और क्लोजिंग बैलेंस प्रोवाइड करेंगे। सो दिस इज एक मैंने तुमको रिकैप दे दिया है, आई हैव गिवन अ रिकैप ऑफ ऑल द जर्नल एंट्रीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को हम दो फॉर्मेट से बनाते हैं, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में क्या फॉर्मेट रहता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ऐड नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश एक्सपेंसेस, लेस नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश इनकम, और आंसर आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। एम आई करेक्ट? स्टार्ट क्या किया था हम लोग ने, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, देख लो ये आ रहा अपना फॉर्मेट, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ऐड नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश एक्सपेंसेस, लेस नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश इनकम्स, और फिर जो आंसर आता है उसको बोलते हैं हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फिर उसके बाद में वो वर्किंग कैपिटल चेंजेस प्लस माइनस करने के बाद आता है अपने को कैश फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर टैक्स, लेस इनकम टैक्स, और मिल जाता है कैश फ्रॉम ऑपरेशन आफ्टर टैक्स। हैव यू गॉट इट? यस। फिर उसके बाद में ऐड और लेस एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम एंड कैश फ्रॉम, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सो बोलो क्या क्या फॉर्मेट रहेगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ऐड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश एक्सपेंसेस, फिर क्या करेंगे, लेस नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश इनकम्स, और फिर उसके बाद में मिल जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फिर वो वर्किंग कैपिटल का प्लस माइनस करेंगे और मिलेगा कैश फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर टैक्स, लेस इनकम टैक्स पेड, कैश फ्रॉम ऑपरेशन आफ्टर टैक्स, ऐड और लेस एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम एंड कैश जनरेटेड और लॉस फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश जनरेटेड और लॉस फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। बच्चों समझ में आया क्या? यस सर। लेकिन अगर डायरेक्ट मेथड है तो बोलने का कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स माइनस पेमेंट टू क्रेडिटर्स माइनस पेमेंट ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड वी गेट कैश फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर टैक्स, लेस इनकम टैक्स पेड, कैश फ्रॉम ऑपरेशन आफ्टर टैक्स, एड और लेस एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। अरे किया है ना ऐसा डायरेक्ट मेथड भी हम लोग ने? Yes, sir. Yes, sir. ये रहा अपना डायरेक्ट मेथड, ये अपन ने डायरेक्ट मेथड इधर कर रखा है, ये रहा कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स पेमेंट टू क्रेडिटर्स पेमेंट ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कैश फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर टैक्स लेस इनकम टैक्स कैश फ्रॉम ऑपरेशन आफ्टर टैक्स, और उसके बाद एड और लेस एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, और मिल गया कैश जनरेटेड और लॉस्ट, कैश जनरेटेड और लॉस्ट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़।
फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। और फिर सिंगल एंट्री यहाँ पे काम आता है, देख लो डेटर में चार आइटम, ओपनिंग क्लोजिंग क्रेडिट सेल्स एंड कलेक्शन, तो कलेक्शन बैलेंसिंग हो गया, यही है ना पहला आइटम कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। क्रेडिटर्स में ओपनिंग क्लोजिंग क्रेडिट परचेज एंड पेमेंट, तो ये जो पेमेंट है ये ऊपर पेमेंट टू क्रेडिटर्स। और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में जब क्लोज करेंगे तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पेड मिल गया, ये तीन अकाउंट से मिल गया। और ये एक वर्किंग बनाई थी, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, सो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड सब था, ये परचेजेस बैलेंसिंग आया, ओपनिंग है क्लोजिंग है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, सो परचेजेस बैलेंसिंग आया। और ये परचेजेस हम लोग यहाँ पे ऊपर क्रेडिटर्स में लिखते हैं, हमेशा हमेशा क्रेडिटर्स में लिखते हैं। सो देख लो अभी इतने सारे क्वेश्चंस किए ना, ये सबको मैंने समराइज करके रख दिया, ये सबको समराइज कर दिया, तो फाइनली कैश फ्लो स्टेटमेंट इज नथिंग बट कैश बुक। थोड़े एडवांस लेवल पे कैश बुक बनाया हम लोग ने, जब एडवांस लेवल पे कैश बुक बनाते हैं तो उसमें तीन एक्टिविटी बन जाती है, ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। अरे जब एडवांस लेवल पे कैश बुक बनेगी तो तीन एक्टिविटी क्या बनेगी इसमें, ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग, ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। और ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाने का दो तरीका है, इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट। इनडायरेक्ट में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एड नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश एक्सपेंस लेस नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश इनकम ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, फिर वर्किंग कैपिटल प्लस माइनस करेंगे करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटीज एंड कैश फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर टैक्स लेस इनकम टैक्स पेड कैश फ्रॉम ऑपरेशन आफ्टर टैक्स एड और लेस एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। सीए फाइनल में एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम नहीं है ना, तो वहाँ पे लिखते हैं एड और लेस एक्सेप्शनल आइटम्स, बस उतना ही फर्क है, बाकी एग्जैक्टली ये का यही है, सेम टू सेम। और फिर आ जाता है कैश जनरेटेड और लॉस फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। और अगर डायरेक्ट मेथड फॉलो किया तो कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स माइनस पेमेंट टू क्रेडिटर्स माइनस पेमेंट ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ये तीन ही आइटम है बस। फिर मिल जाता है कैश फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर टैक्स लेस इनकम टैक्स पेड एंड कैश फ्रॉम ऑपरेशन आफ्टर टैक्स। सो देख लो मैंने एक तुम लोगों को कंप्लीट रिकैप दे दिया, और एक है ना टीडीएस वाला एक प्रॉब्लम था, वो एक मैं डिस्कस कर लेता हूँ, बाद में तुमको डाउट आता है उसमें, याद है एक टीडीएस का क्वेश्चन था, यस सर। ये रहा डिविडेंड रिसीव्ड आफ्टर टैक्स था ना, डिविडेंड रिसीव्ड और टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स था, तो एंट्री क्या पास की, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टीडीएस अकाउंट डीडीएस रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड, पीएनएल क्रेडिट में फुल इनकम जाएगा, और जो टैक्स हमारा सोर्स पे कट गया ना वो जिसने काटा वो पे कर देगा हमारे बीएफ में, तो ये हमारा एडवांस टैक्स है, ये हमारा एडवांस टैक्स है, एडवांस टैक्स। ये कैश बैंक अकाउंट डेबिट तो हमने लिख दिया रहेगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, बिकॉज डिविडेंड रिसीव्ड इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, सो ये कैश बैंक डेबिट तो इंटरेस्ट डिविडेंड रिसीव्ड है, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, ये पीएनएल नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश इनकम बन गया पीएनएल क्रेडिट, लेकिन ये एडवांस टैक्स पेड है, तो ये एडवांस टैक्स पेड है ना, तो जो लेस इनकम टैक्स पेड है उसमें से माइनस किया हम लोग ने, देख लो ये लेस इनकम टैक्स पेड में से हमने माइनस किया है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लेस इनकम टैक्स पेड में से माइनस किया है, ये 15 रुपीज यहां से माइनस किया है, समझा गया? Yes, sir. ये एक याद रखना अपने को, मैंने वहां पे समझाया भी है तुमको, एक सैलरी का एग्जांपल देके समझाया था, जब मैंने एक्सप्लेन किया था तो तुमको समझाया था कि तुमको सैलरी मिलती है 1.5 लाख रुपया सैलरी है तो 15,000 रुपया कट के ही मिलेगी, तुम्हारा एम्प्लॉयर 15,000 कट करेगा और वो टैक्स भर देगा तुम्हारा, तो तुम्हारा इन अ वे एडवांस टैक्स भरा जा रहा है, तो एंड ऑफ द ईयर में जो भी इनकम टैक्स पे करना होगा उसमें वो जो ऑलरेडी एम्प्लॉयर ने काट के भर दिया वो माइनस करके बैलेंस ही भरोगे, तो देख लो ना यहाँ पे इनकम टैक्स 600 पे करना था, जो ऑलरेडी कट गया वो माइनस करके बैलेंस ही तो यहाँ पे पेड है ना, बस इसके अलावा मेरे को नहीं लगता कुछ डिफिकल्ट है, अगर प्रैक्टिस सेशन हो जाएगा अच्छे से तो ये टॉपिक डिफिकल्ट नहीं है, दिस इज़ नॉट डिफिकल्ट टॉपिक, और ये एक टॉपिक के तरह ये और इन्वेस्टमेंट्स तो कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के तरीके से नहीं सीखेंगे, ये टॉपिक के तरीके से सीखेंगे, ये टॉपिक है और इसके बाद एक इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट्स आएगा, ये दो टॉपिक। सो इसमें मैंने कंप्लीट रिकैप दे दिया, आई ट्राई टू डू द एंटायर रिकैप इन जस्ट 34 मिनट्स, हम लोग ने
जितना हो सकता है उतना रिकैप मैंने कर दिया, ठीक है। चलो विल स्टॉप इट हियर।